सबसे पहले तो मैं यहाँ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अपना पहला ऑफिस बना है उसके बारे में आप लोगों को, ये क्योंकि बहुत ही एक ऐतिहासिक पड़ाव है, एक हाई टेक, किसी भी ऑफिस को हाई टेक बोलना उसमें बहुत मीनिंग होता है। हाई टेक बोलना मतलब वो ऑफिस यहाँ अपना स्टाफ बैठने के लिए, मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर बैठने के लिए, वो हाई टेक ये नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हाई टेक मतलब हम लोग पब्लिक, आम जनता को सर्विस देने के लिए जो फैसिलिटीज़ है बाकी जगह में, जो फैसिलिटीज़ और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे सकता है, वो हम लोग ने प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो कुछ भी बोलने से पहले आप सबको मैं ये बता दूँ, ये आज का ये इतना बड़ा शानदार ऑफिस, बड़ा शानदार हाईटेक ये जो इमारत जो है, हमारा ऑनरेबल डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का देन है। उसके साथ में सहयोगी में हमारा वरिष्ठ नेता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जिसको हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, उसको हम लोग आभारी प्रकट करता है। फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसका योगदान से ये आज बनाए, और जिसमें हमारा मिनिस्टर साहब कमलों मोसन साहब जो है हम लोगों को जी भर के सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया कि ईटानगर का जनता को कैसे करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थ्रू से सर्विस दें। आप सबको मालूम है 2014-15 से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद यहाँ कुछ भी साधन नहीं था हम लोग को पब्लिक सर्विस के लिए। नाहरलगन में कहीं डायरेक्टर का आर्ट एंड कल्चर में ऑफिस बना, फिर बीच में कहीं हम लोग रेंट में गया, उसमें बहुत इश्यूज आता है पब्लिक को। नंबर वन ऑफिस का स्पेस इशू है, नंबर टू वो हाईटेक सर्विस, जो सर्विस मिलना चाहिए जैसे दुकान लाइसेंस हो गया, जैसे डेट एंड बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, मेरिज सर्टिफिकेट हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, अलग अलग जो सरकारी फैसिलिटी मिलना है नहीं मिलता था। मिलने से भी ऑफिस का इशू का साथ साथ पार्किंग का इशू था, तो उसमें पब्लिक बहुत प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा आउटस्क्रेट दूर था, हाईवे से दूर था। ये जगह इसलिए चुना है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ये ईटानगर जैसे लेन का जहाँ बहुत ही समस्या है, लेन स्कर्सिटी प्लेस में सबसे बेस्ट प्लेस हम लोग इसलिए चुना है कि ये ईटानगर का रोड मैप ऐसा है कि ये 415 हाईवे में बना है, नंबर वन। नंबर टू बंदरदवा दोईमुख अपना नाहरलगन एरिया से हम दो रास्ता से आ सकता है, 415 से आएगा, दूसरा हम जुली रास्ता पकड़ेगा, जुली का यहाँ चिंपू में इंडिंग होता है, इजी एक्सेस होता है पब्लिक को। ये सेंटर पॉइंट है, सिर्फ हम लोगों को विश्वास करना है और पॉजिटिव से सोचना है, ऐसा नहीं कि निगेटिव सोच के हम सिंह गोहपुर सिंह की भी सिंह वहाँ गोहपुर चला गया, वो बहुत दूर चला गया, वो निगेटिव सेंस नहीं होना। दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोग ऐसे पब्लिक को यूज कर दिया, कियोस खुला है हम लोग, कियोस मतलब आप अपना सेम ट्रेडिंग लाइसेंस, डेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी सरकारी कागजात चाहिए, जो भी दुकान लाइसेंस चाहिए, आप ईटानगर नाहरलगन में, जैसे मेरा वार्ड नंबर 17 में है, अभी बंदरदवा में खुलने जा रहा है, निरजुली में आ रहा है, सिर्फ हेड ऑफिस काम यहाँ में होगा। पब्लिक का अलग अलग सुविधा के लिए हम लोग सब जगह कर दिया। इसलिए आपको हम ये प्रैक्टिकल बात बता देगा कि ये ऑफिस को अभी हमारा चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में कैंपिंग कर रहा है, वो अपना 19-20 तारीख को आ जाएंगे, सर से हम लोग अपॉइंटमेंट लेके इसका हम लोग उद्घाटन कराएंगे। इसमें पार्किंग फैसिलिटी ये है, आपको हम आगाह कर देगा, अपडेट कर देगा, पब्लिक पार्किंग फैसिलिटीज जो है वहाँ हाईवे का राइट साइड में हम लोग डिवाइडर के लिए बोल दिया, हाईवे का राइट साइड में हम लोगों के पास 30-40 गाड़ी का पार्किंग वो राइट साइड में होगा, और यहाँ खुद स्टाफ के लिए, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए कम से कम यहाँ में भी 27 गाड़ी का पार्किंग फैसिलिटी है, और जो पब्लिक आएगा टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग, फोर व्हीलर के लिए पार्किंग, सारा पार्किंग तैयार है। कुल मिला के हम अरुणाचल टुडे का माध्यम से आप सबको, ईटानगर वासी को ये बता देगा कि पहले जो दिक्कत होता था आप लोग को, आउटस्पेक्ट थोड़ा पीछे चला जाता था, पार्किंग का इशू था, वो 100% यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, और आगे पब्लिक को सर्विस देने के लिए, इजी के लिए, सर्विस को अपडेट करने के लिए
हम लोग से जो हो सकेगा पूरा करेगा। सिर्फ इसको ऑफिशियली फॉर्मली इनॉग्रेशन के लिए हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर सारा को हम लोग टाइम लेने जा रहे हैं। जब डेट देगा आप लोगों को अपडेट करके बना देगा। अभी ईटानगर का पब्लिक को चिंता करने जरूरत नहीं, आप लोग को कम समय में विथ फैसिलिटी विथ पार्किंग विथ एवरीथिंग हाईटेक ऑफिस दे रहा है। अभी हफ्ता भर में चंद 7-8 दिन का अंदर में हम लोग इसको फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इनॉग्रेशन में मिलते हैं, सीएम सर आएंगे कि उन्होंने उसी का ही ये देन है। थैंक यू।